इस आदमी की गर्दन पर बने चोट के निशान यूं तो देखने से पता चलता है कि चाइनीज मांझे के फंस जाने से बने हैं, लेकिन इसकी गर्दन पर बना एक एक निशान इसकी पत्नी का किसी और से फंसे होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये हम नहीं पीड़ित बता रहा है। किसी ने अपने आशिक से मरवाया है, अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मरवाया, अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मरवाया। बॉयफ्रेंड को आप जानते हैं? उसको जानता हूँ, उसका बॉयफ्रेंड था और दो लड़के और थे साथ में। प्रेम प्रसंग में पत्नी ने प्रेमी से मिलकर पति की हत्या करवाने की यह खबर सीतापुर के थाना रामकोट की है। मिली जानकारी के अनुसार विवाह के 7 साल बीत जाने के बाद भी पत्नी पर ऐसा प्रेम का भूत चढ़ा कि पति की जान लेने पर ही आमादा हो गई। थाना रामकोट क्षेत्र के जुहरा गांव के बाहर जुहरी तालाब के पास गुंडों को बुलाकर पति को रस्सी से ऐसा बंधवाया कि उसकी मौत ही हो जाए, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई। अपनी किस्मत से वह आदमी बच गया। इस वक्त पीड़ित का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है तथा घटना से संबंधित तहरीर पुलिस को भी दे दी गई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। क्या नाम आपका? कहाँ रहते हो? जिहरी। क्या मामला था, कैसे आपको चोट लगी है? ये हमारी बीबी ने हमें मरवाया। किसने? हमारी बीबी ने अपने आशिक से मरवाया। क्या नाम बीबी का आपके? राजनंदन। कहाँ बुलाया था आपको? तालाब को बुलाया था। फिर आपको, आप वहाँ चले गए? चले गए। कौन से गुंडे थे, किससे? अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मरवाया। बॉयफ्रेंड को आप जानते हैं? उसको जानता हूँ, उसका बॉयफ्रेंड था और दो लड़के और थे साथ में। इसके पहले उसका चक्कर चला था, आप नहीं जान रहे थे कुछ? कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? 7 साल। क्या नाम बीबी का आपके? संबंध में कहीं आपने शिकायत की है कहीं? क्या बताया वहाँ? जब मैं जवाने वाने जाता था, मेरी जाती भी नहीं थी, जब उसका दूसरे लड़के के साथ चक्कर भी चलता था। कितने लोग मारे हैं आपको? तीन लोगों ने मारा। उनको सबको पहचानते हो आप? पहचानते हैं। कैसे मारा था, क्या क्या किया है आपके साथ? मुझे तो एक ने रस्सी से पीछे से पकड़ लिया था, गले में रस्सी डाल दिया था पीछे से, और दो लोगों ने मुझे मुक्कों से मारा। कैसे बचे फिर? बचे कैसे फिर? जब मुझे रस्सी से बांध कर डाल दिया वहीं से, गले में फंसा, जब मुझे होश आया था तो मैं रस्सी छुड़ा के अपने आप भाग गया था। क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं? हमारा नाम है नवनीत राजवंशी, मैं रहता हूँ जुहरी में। अच्छा, क्या घटना हुई आपके भाई के साथ? घटना ये हुई कि वो राहुल फ़ोन किया हमारे भाई के पास, पदुम के पास, कहा कि रमतला तालाब पर आओ, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे, कुछ आपसी बात करनी है आपसे। तो वो पहुँच गए, तो उसके बाद क्या हुआ, वो तीन चार लोग थे मिलकर, सब लोगों ने उनको पहले मारा, मार के अधमरा कर दिया, और फिर फांसी भी लगा दी उसके गले में, जो कि वो पता नहीं भगवान जाने कैसे बच गया। जब होश उसको आया तब वो पता नहीं कैसे वो घर को आवा, तो गांव में सब जानकारी हुई, तो मैंने सूचना रामपुर थाने में 100 नंबर को करी, तो एम्बुलेंस भी आई, मैंने बुलाया। अब आपके भाई की हालत कैसी है? अब अभी भी गंभीर हालत है, वो ना कुछ तो खा पाता है खाली। कब की घटना है ये? यह घटना है 31 तारीख की। कितने बजे शाम की? शाम वही लगभग 10:30 बजा था। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और अभी वो आरोपी लोग जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। क्या आप क्या चाह रहे हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग यही चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी से, कि योगी आदित्यनाथ हमारी मतलब हमारी सुने और गरीबों का न्याय दिलाएं, गरीबों